हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चलो खाने। तो चिल्ड्रंस डे आ रहा है, क्यों ना हम बच्चों को खुश करने के लिए उनका फेवरेट आइटम बनाएं, जो है बर्गर और फ्रेंच फ्राइज, जिनको खाकर उनको बहुत मज़ा आता है। और हम बनाएंगे हेल्दी वे में, जिसमें हम मैदे या कॉर्नफ्लोर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारा जो ये वेजिटेबल बर्गर बनने वाला है, ये बहुत हेल्दी भी होगा और उनको खाने में बहुत मज़ा भी आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप पोहा। आप चाहे तो 1 कप पोहा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 कप लिया है क्योंकि मैं जो टिक्की बनाने वाली हूँ वो 7 से 8 बनेंगी मेरी टिक्की। अब हम पोहे को अच्छे से पानी में धो लेंगे 2 से 3 बार, और फिर हम इसको एक स्ट्रेनर में डालकर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। मैंने 8 से 10 उबले हुए आलू लिए हैं, ये देखिए, और मैं इसको अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर दूंगी। ग्रेटर से ग्रेट करने से इसमें जो मोटे मोटे आलू के चंक्स हैं ना, वो नहीं रहेंगे और हमारी टिक्की जो है ना एकदम स्मूथ और सॉफ्ट बनेगी। तो इसलिए मैं सब आलू को अच्छे से एक एक करके ग्रेट कर लूँगी। मेरे पास एक कैरेट भी है, गाजर भी है, उसको भी मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहे तो उबले हुए मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों को ग्रेट कर लिया है, और ये देखिए हमारा पोहा भी बिल्कुल ड्राई हो गया, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हम इसमें अपने ग्रेटेड आलू में पोहे को डाल देंगे। इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमको बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर और मैदे का इस्तेमाल नहीं करेगा चाहिए होगा, तो ये एक हमारा हेल्दी वर्जन बन जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितना भी आलू में मॉइस्चर होता है थोड़ा बहुत, वो ये जो पोहा है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी टिक्की काफ़ी अच्छी बनेगी, सॉफ्ट और काफ़ी सॉलिड बनेगी। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। इसके लिए ये सब मसाले चाहिए हैं। हम सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्रेटेड अदरक, उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून ज़ीरा रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, आपको बच्चों को मिर्ची पसंद नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून फ्रेश धनिया। अब हम इस सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम मेरे पास थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स हैं, इसको भी मैं रख लूँगी साइड पर। इसको हम कोटिंग करेंगे अपनी टिक्की को। अब मैं टिक्की को हाथ से बना लूँगी। टिक्की बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो टिक्की का साइज़ है, अब वो साइज़ जो है वो बर्गर के साइज़ के साथ मैच करना चाहिए। देखिए, मेरा जो बन है वो बर्गर बन जो है वो मीडियम साइज़ का है, तो टिक्की का साइज़ भी मैं मीडियम साइज़ ही बनाऊँगी। अगर आपका बन का साइज़ बड़ा है तो टिक्की भी आपका बड़े साइज़ में बनेगी, तो वो आपको ध्यान रखना है। मैं टिक्की एक एक करके बनाती जाऊँगी, और ये जो ब्रेड क्रम्स मैंने रखे हैं इसके ऊपर इसको दोनों तरफ से कोट कर दूंगी और साइड में रखती जाऊंगी। इस तरह से मैं एक एक करके सब टिक्की को बना लूंगी और साइड में कोटिंग करके ब्रेड क्रम्स से एक तरफ रखती जाऊंगी। अब इसके लिए हमको एक स्प्रेड भी बनाने की बहुत ज़रूरत है। मार्केट में जनरली हम जब बर्गर खाते हैं तो उसमें एक स्प्रेड भी लगा रहता है, वो बनाना भी बहुत आसान है। उसके लिए हम लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून मेयोनीज़, उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस। तो इससे हमारा जो स्प्रेड है वो मीडियम चिली बनेगा। अगर आपको ज़्यादा चिली पसंद है तो आप ज़्यादा शेजवान सॉस डाल सकते हैं, पर हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम इसको मीडियम चिली रखेंगे। अब हमारी सॉस तैयार है, स्प्रेड तैयार है, और हम बन को बीच में से अच्छे से काट लेंगे। जितने भी हमारे जो बर्गर बन हैं उसको हम बीच से काट लेंगे अच्छे से, और तवे पे 1 टेबलस्पून बटर डालकर अपने बर्गर बन्स को अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे ताकि देखने में थोड़े क्रिस्पी लगे और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने अपने बर्गर बन्स को दोनों तरफ से इस तरह से सेक लिया है और ये तैयार है। अब उसी तवे पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और हमने जो टिक्की बनाकर एक साइड पर रखी थी उसको धीरे धीरे हम तवे पे दोनों तरफ से सेक लेंगे जब तक वो क्रिस्पी नहीं हो जाए। ये देखिए, मैं टिक्की को एक एक करके रख रही हूँ। मेरे तवे पर 4 टिक्की आराम से आ जाती है,
ये देखिए थोड़ा थोड़ा उसका कलर चेंज हो रहा है और गोल्डन क्रिस्पी हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। इसी तरह से हमको टिक्की का कलर चाहिए। हमारी टिक्की ऑलमोस्ट रेडी है और तैयार है। ये मैंने थोड़े से प्याज, खीरा और टमाटर को गोल गोल काट लिया है और इसको हम असेंबल करेंगे हमारे बर्गर में। हमारी टिक्की भी तैयार है, तो चलिए अब हम इसको असेंबल करेंगे। अब ये मेरे बंस भी रेडी हैं। इस तरह से मैं लूँगी और इनको साइड पे रख लूँगी। ये देखिए हमारा जो स्प्रेड हमने बनाया था वो हम अपने बर्गर बंस पे दोनों तरफ लगा देंगे। आप चाहे तो एक तरफ धनिया पुदीने की चटनी भी लगा सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। मैं दोनों तरफ अपना बनाया हुआ ये स्प्रेड लगा रही हूँ। उसके ऊपर हम एक तरफ टिक्की रख देंगे और उसके ऊपर हमने जो टमाटर गोल गोल काटे हैं उनको भी रखेंगे। साथ में हम प्याज भी रख देंगे और खीरा भी रखेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल करेंगे। बस हमारे बर्गर एकदम तैयार हैं खाने के लिए। बच्चे भी रेडी हैं खाने के लिए, तो बस चलिए उनको खिलाते हैं ये बर्गर। ओके बाय।